ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो उससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे अपने मठ में मिल जाती है। वहीं प्रतिष्ठा वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं, सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से पर बता रहे हैं पीछे वालों को, कोई है पीछे? दरअसल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मठ में मिल जाती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सपा का दावा है कि यूपी बीजेपी में उठापटक चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी कह सामने वालों से रहे हैं लेकिन बता पीछे वालों को रहे हैं, यह उनका इशारा बीजेपी के आला कमान और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की ओर था, जिन्हें लेकर पिछले दिनों अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही। आपको बुलडोजर से डर लगता है लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान कर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला।